और भाई लोग कैसे हो सबके सब। मैं बिल्कुल भी ठीक नहीं हूँ भाई। पिछले वीडियो में बुरी तरीके से मरने के बाद हम लोग बिल्कुल ही खत्म हो चुके भाई। अपने पास कुछ नहीं है, ना पहनने को कपड़ा है, ना हथियार है, ना खाना है, कुछ भी नहीं है भाई। हो भाई पता नहीं कैसे सरवाइव करेंगे हम लोग। तो चलो भाई आज का वीडियो फटाफट शुरू करते हैं। देखो आज के वीडियो में भाई ज्यादा मगजमारी करना नहीं है मेरे को। अपना आयरन फार्म बिल्कुल पूरी तरीके से कंप्लीट करना है, लेकिन मेरे को खाना भी तो चाहिए यार। ये है जिंदगी भाई, ये है जिंदगी। कुछ देर पहले मेरे पास सब कुछ था और अभी मेरे पास कुछ भी नहीं है। नाइस, ओके, थोड़ा बहुत खाना तो इधर से मिल जाएगा मेरे को। चलो भाई अपने आयरन फार्म के बाजू में चलते हैं, जाके देखते हैं क्या सीन चल रहा है उधर भाई। ये लो भाई हम लोग आ गए अपने आयरन फार्म के पास। ये है वो पनौती आयरन फार्म जिसको बनाने के चक्कर में मैं पूरी तरीके से लूट गया भाई। अभी कब ये तैयार होगा, कब भाई आयरन गोलेम स्पॉन होगा पता नहीं। तो इधर भाई अपने को थोड़ा बहुत इंतजार करना पड़ेगा जब तक आयरन गोलेम स्पॉन नहीं हो रहा है, क्योंकि और कोई तरीका तो है नहीं। थोड़ा सा इंतजार करते, अगर आयरन गोलेम स्पॉन होता है फिर जाके कुछ काम हो पाएगा। तो मेरे को थोड़ा बहुत टूल वगैरह चाहिए होगा, मेरे पास कुछ भी नहीं है टूल भाई। थोड़ा सा टूल बनाना पड़ेगा मेरे को। ओके, तो इधर एक भाई पिकेक्स पड़ा है और एक भाई आयरन के स्वॉर्ड भी पड़ा है, तो उठा लेते। ओके, तो इस साइड अच्छे से खोद देते भाई, ताकि आयरन गोलेम अगर आए तो सीधे नीचे ही जाए भाई। एटलीस्ट ये काम तो हो भाई। तो अभी अगर आयरन गोलेम आएंगे तो इस चेंबर के अंदर घुस जाएगा और फिर भाई मैं उनको मार सकता हूँ। तो थोड़ा बहुत आयरन गोलेम मारने के बाद ही मेरे पास सामान हो पाएगा सब कुछ फिर ही कुछ कर पाएंगे। इधर बहुत सारा कोल पड़ा है, तो थोड़ा बहुत कोल उठा लेते इधर से। अच्छा हाँ, मेरे को इसके नीचे एक टॉर्च भी तो लगाना है, नहीं तो फिर भाई नीचे अगर जॉम्बी वगैरह स्पॉन हो गया फिर तो हो जाएगा बेरागर भाई। चलो फटाफट नीचे चलते हो, थोड़ा बहुत टॉर्चेस लगा देते। और विलेजर लोग कैसे हो? टॉर्च लगा दिया भाई ताकि कोई भाई मर ना जाए। भाई सारा का सारा बच्चा ही है, अभी तक कोई भी बड़ा नहीं हुआ अभी तक। ठीक है कोई बात नहीं भाई, धीरे धीरे बड़ा हो जाएंगे, कोई टेंशन की बात तो है नहीं। ओके, तो जब तक विलेजर लोग बड़ा होते तब तक भाई हम लोग थोड़ा बहुत लकड़ियां इकट्ठा कर लेते, क्योंकि अपने को आज ट्रेडिंग सेडिंग भी करना है। फटाफट थोड़ा बहुत लकड़ियां काट लेते हैं, जब विलेजर बड़ा हो जाएंगे तो उनके साथ ट्रेडिंग कर लेंगे हम लोग। ओके, तो भाई क्या ये फार्म काम नहीं कर रहा है? बाहर आयरन गोलेम कैसे स्पॉन हो गया भाई? और आयरन गोलेम के बच्चे बाहर क्या कर रहा है तू? ओ हो, अभी पीछे पड़ जाएगा ये। चला जा भाई, आ जा फिर ले भाई, आ जा ना। ओरे बेटे, ओ अच्छा ऊपर चल गया था वो नाइस भाई, बढ़िया नूपंती किया भाई। अब आ जा तू भाई, अब फिर ले तू, अब नहीं मार सकता तू भाई। भाई अजीब नू बंदा हूं मैं भी भाई, अब मरेगा तू ऐसे। ये लो भाई मर गया भाई। बाहर कैसे स्पॉन हो गया आयरन गोलेम? ओके, अंदर भी शायद से एक दो आयरन गोलेम गया है और तीन आयरन मिल चुका है मेरे को। फटाफट मैं एक बकेट बना लूंगा भाई और फिर बाहर आयरन गोलेम स्पॉन हो रहा है। ये कैसा फार्म है भाई? हेलो, इतना मेहनत से बनाया मैंने इसको, ऐसे बाहर स्पॉन होगा क्या अभी? रुको इसको भी मारना पड़ेगा। अरे भाई तू, अरे गेम लैग कर जाता है ना ये, दिमाग खराब। और ओहो, दो तीन आयरन गोलेम एक साथ स्पॉन हो गया भाई। सही है भाई, ठीक है भाई, ये फार्म काम नहीं कर रहा है। बहुत बढ़िया भाई, बहुत ही ज्यादा बढ़िया भाई, ये फार्म बिल्कुल भी काम नहीं कर रहा है, इतना मेहनत से बनाया मैंने इसको। एंड ये बिग फेलियर भाई। इधर देखो एक आयरन गोलेम इधर घूम रहा है। सही है भाई, ये आयरन गोलेम भाई, भाई ये इतना बड़ा मेरे को धोखा दे देगा, मेरे को पता नहीं था भाई। ये बहुत बड़ा धोखा दे दिया मैंने भाई, ये बहुत बड़ा धोखा दे दिया इसने भाई। इससे बढ़िया तो मेरा भाई माइनक्राफ्ट वाला फार्म है भाई, एटलीस्ट वो काम तो करता है। नेदर के अंदर घुस के देखते हैं, दो तीन आयरन गोलेम आई थिंक नेदर के अंदर भी गया है। ओके ये देखो, ओ हो, बहुत बढ़िया भाई, ये चेंबर में भी नहीं गिरा ये लोग, एक दो गिरा है। हाँ बहुत बढ़िया भाई, ये फार्म भाई बिल्कुल काम नहीं कर रहा है, मैंने जितना सोचा था बहुत ही ज्यादा भद्दा निकला ये चीज ये फार्म भाई फेल हो गया भाई, पूरी तरीके से फेल हो गया ये फार्म। अब इनको मारने के लिए मेरे को बहुत ज्यादा मेहनत करना पड़ेगा। रुको देखते कैसे मारते इनको, आ जा भाई। ओ अरे भाई मां, ये है भाई गरीबी में आटा गिरा, ये है। अरे यार क्या करूं अभी मैं, ये फार्म तो फेल हो गया भाई, ये बहुत गलत चीज हो गया मेरे साथ, बहुत ज्यादा गलत चीज हो गया। ये लो भाई सामान सारा का सारा मिल गया, वैसे सामान कुछ कीमती तो था नहीं।
तो चलो भाई, आयरन गोलेम वाला ये फार्म बिल्कुल पूरी तरीके से फ्लॉप हो गया। लेकिन 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 भाई, हम लोग इतने आसानी से हार मानने वालों में से है नहीं। हम लोग इस फार्म को जरूर कंप्लीट करेंगे भाई। अभी मेरे को कुछ सोचना पड़ेगा कि कैसे इस फार्म को कंप्लीट करना है। लेकिन उससे पहले इधर बहुत सारा आयरन गोलेम हो गया, इनको मारना पड़े। अबे कहां कहां गिर रहा हूं मैं। ओके, आई थिंक मेरे को और एक ब्लॉक खोद देना है, फिर भाई ये मार नहीं पाएगा मेरे को। तो अभी पहले इसको मेरे को निपटाना पड़ेगा, फिर आगे का काम करूंगा मैं। मार ले भाई, आ जाना, मार ले ना, मार ले। बहुत बहुत उछल रहा था तू तो। चल निकल ले, ले ओ भाई। तलवार ही टूट गया भाई, सही है भाई। तो अभी मेरे को सोचना है कि इस फार्म को मैं फिक्स कैसे करूंगा। फिक्स तो मेरे को करना है भाई ये फार्म, ज्यादा कुछ करना नहीं है मेरे को, मेरे पास आइडिया है। अरे भाई भाई भाई, इधर भी आ गया दो बंदे। तो ये वाला आयरन फार्म हम लोगों ने पहले भी अपना क्राफ्ट्समैन 4 के वर्ल्ड में बनाया था, पिछले वाले वर्ल्ड में। तो तभी तो ये फार्म बिल्कुल परफेक्टली काम कर रहा था। लेकिन भाई शायद अपडेट आने के बाद भाई ये फार्म काम करना बंद कर दिया है, पता नहीं था मेरे को। तो भाई गलती से हम लोगों ने इस फार्म को बना दिया है। अभी बना दिया है तो इसको फिक्स करना पड़ेगा भाई, कुछ भी करके। क्योंकि भाई 20 विलेजर मैंने लगाया इस फार्म के लिए, और मैंने अपना पूरा डायमंड के आर्मर का बलिदान दिया है इस फार्म को बनाने के लिए। तो इस फार्म को तो काम करना ही पड़ेगा भाई। ये देखो इधर, अभी तो फिलहाल ठीक है। ये देखो गया, और गया भाई। ये देखो परफेक्टली काम कर रहा है, लेकिन साइड में कैसे स्पॉन हो रहा है मेरे को ये समझ नहीं आ रहा है। थोड़ा सा पेड़ के पत्तियां तोड़ लेते, लगा के देखते काम करता है कि नहीं करता है। साइड साइड में थोड़ा सा पेड़ के पत्तियां लगा देते, देखते कुछ काम होता है कि नहीं होता है। अबे कहां जा रहा है भाई, फिर ले आ जा भाई। बूम। अब एक काम करते, साइड साइड में भाई पत्तियां लगा देते, देखते क्या होता है भाई। ये देखो आयरन गोलेम स्पॉन हो रहा है भाई, काफी तगड़ा स्पॉन हो रहा है। लेकिन बाहर कैसे स्पॉन हो रहा है मेरे को ये जानना है। क्या मैंने इसके अंदर नेदर पोर्टल लगाया इसीलिए बाहर आयरन गोलेम स्पॉन हो रहा है, मेरे को समझ नहीं आ रहा है। चलो अभी थोड़ा सा खड़ा होके देखते कि क्या इधर और आयरन गोलेम बाहर स्पॉन। आई देखो बाहर स्पॉन हो गया फिर से। ऐसा क्यों हो रहा है भाई, दो दो स्पॉन हो गया अभी तो। मेरे को लग रहा है कि नेदर पोर्टल बवाल कर रहा है सारा भाई। अरे पोर्टल की ऐसी की तैसी भाई, बंद करो पोर्टल भाई। पोर्टल कैसे बंद करो, पहले पोर्टल बंद करते भाई। पोर्टल की वजह से आई थिंक हो रहा है ये चीज, मेरा ही गलती है भाई। पोर्टल बना के गड़बड़ कर दिया मैंने। पोर्टल कैसे तोड़ू मैं, मेरे पास भाई आयरन के पिकेक से। ले आओ बाबू, आप पोर्टल कैसे तोड़ू अभी मैं भाई। पोर्टल तोड़ने के लिए डायमंड की पिकेक चाहिए, मेरे पास है नहीं। चलो घर चलते देखते भाई, मेरे पास 3 डायमंड है क्या। मेरे को एक डायमंड की पिकेक चाहिए, पोर्टल मेरे को तोड़ना पड़ेगा भाई। मेरे पास एक डायमंड के पिकेक्स पड़ा है, लेकिन इसका हालत बहुत ज्यादा खराब है। तो फिर मेरे पास डायमंड थोड़ा सा पड़ा था ना भाई, 2 डायमंड। ओहो, क्या आयरन फार्म बनाने चला था मैं, मेरे को सिंपल तरीका यूज करना चाहिए था। खाली फिली भाई नेदर पोर्टल लगाने गया, सारा गड़बड़ नेदर पोर्टल की वजह से हो रहा है मेरे को, ऐसा पक्का लग रहा है अभी तो। भाई साहब कितने सारे आयरन गोलेम हो गया देखो एक बार तुम लोग बस। ओहो, लेकिन मारना पड़ेगा इनको एक एक करके, क्योंकि आयरन मिलेगा बहुत तगड़ा, और आयरन मेरे को फिलहाल चाहिए भाई। तो हम लोग क्या करेंगे, एक को ऐसे लपेटे देंगे। चल आ जा भाई, फिर ले भाई। चलो भाई सबको निपटा दिया आई थिंक, बिल्कुल भाई सबको निपटा दिया है। अभी फटाफट एक बकेट लावा उठाते। ये देखो लावा मिल गया भाई, इधर तो लावा ही लावा है। इस लावा की वजह से मैं मरा था भाई। चलो पहले नेदर पोर्टल तोड़ते भाई इनका, इनकी ऐसी की तैसी, तोड़ो नेदर पोर्टल। नेदर पोर्टल तो टूट गया भाई, अब इसको पूरी तरीके से मेरे को निकाल लेना है भाई, खाली फिली भाई। चलो भाई आई थिंक इतना काफी होगा भाई, पूरा नेदर पोर्टल निकालने की जरूरत नहीं है फिलहाल तो। फिलहाल भाई इसको पूरी तरीके से बंद कर देते। ये लो भाई बंद हो गया, अभी लावा वाला काम करते और बस भाई काम खत्म करते। मेरे को चाहिए होगा एक फैंस गेट, मेरे को चाहिए होगा एक चेस्ट एंड एक भाई हॉपर। तो चलो फटाफट एक चेस्ट और एक हॉपर बना लेते। चलो भाई एक हॉपर एंड एक चेस्ट मैंने बना लिया, अभी इसके नीचे आ जाने का ऐसे, और फिर भाई ये वाला ब्लॉक मेरे को निकाल लेना है। ये वाला भी निकाल लो, ये वाला भी निकाल लो, और ये वाला भी निकाल लो। फिर इसके बाद ये वाला निकालना है मेरे को, एंड देन कुछ ऐसे एक और ये दो ऐसे कर देना है। फिर इधर आ जाने का, रुको मेरे को हॉपर लगाना है, बस काम खत्म हो जाएगा भाई। इधर से एक सीढ़ी बना लिया हम लोगों ने, अभी इधर से
इधर आ जाओ भाई, एंड देन बैठ के ऐसे भाई हॉपर लगा देने का इसके ऊपर, हो गया काम भाई। अभी मेरे को चाहिए होगा एक स्टेयर केसेस। ओके ओके, इधर एक स्टेयर लगा दिया भाई, सारा ही स्टेयर लगा देते, खाली पीली है तो फिर क्या दिक्कत है भाई। उसके बाद मेरे को किलिंग चेम्बर तैयार करना है भाई, इस गोलेम को पहले निपटाना पड़ेगा। अभी फट से मेरे को लावा डालना है, बस काम खत्म भाई। पहले नीचे चलते भाई, रुको, इधर एक ब्लॉक लगाओ, उसके ऊपर चढ़ जाओ ऐसे, ठीक है। अभी अरे भाई कहाँ से आ जाते हो तुम लोग भाई, क्यों आते हो? अरे तेरी भाई, ये भी गुस्सा था मेरे ऊपर। ठीक है भाई, ये फार्म घटिया है बिल्कुल भाई, इसको बनाने के चक्कर में इतना ज्यादा मगजमारी करना पड़ रहा है ना मेरे को भाई, कि क्या बताऊं मैं, बहुत ज्यादा मगजमारी करना पड़ रहा है मेरे को यार। इतनी बार मैं मर चुका हूँ ना ये फार्म बनाते बनाते, एक तो मेरे पास बिल्कुल भी आर्मर नहीं है, कुछ भी हो रहा है इस फार्म के चक्कर में भाई मेरे साथ। चलो भाई फिर से आ गया मैं, इस गोलेम को निपटाना ही पड़ेगा भाई, इसकी ऐसी की तैसी। मेरे को मारेगा तू? मर फिर तू, अभी मर गया भाई, अभी फटाफट काम करते भाई। ओके तो पहले मेरे को इधर एक भाई साइन डालना है, उसके बाद इधर एक साइन जाएगा, उसके बाद इधर जाएगा और एक साइन, फिर इधर से जाएगा एक ब्लॉक, उसके बाद एक फैंस गेट लेना है और इसके अंदर ऐसे डालना है, फिर ये ब्लॉक तोड़ के इसको खोल देना है, उसके बाद जाएगा लावा, कुछ इधर जाएगा लावा, लेकिन पहले मेरे को निकलना पड़ेगा भाई, नहीं तो मैं मर जाऊँगा इसके चक्कर में भाई। एंड देन भाई इसके ऊपर मेरे को लावा डाल देना है भाई, कुछ ऐसे, बुमा बूम, हो गया भाई काम। लो भाई अभी जो करना है कर लो तुम लोगों को, लेकिन पहले ये गोलेम को भी निपटाना पड़ेगा मेरे को। मर जा सिम सिम। ओ अरे यार गेम लैग कर जाता है, हट, हर बार गेम लैग कर रहा है, इतना ज्यादा गेम लैग कर रहा है ना भाई, दिमाग खराब हो चुका है मेरा भाई, मैं पागल हो जाऊंगा इस चक्कर में। ये देखो यही कम था भाई, ठीक है भाई ये भी हो जाए, क्या ही करेंगे अभी, अपना किस्मत ही खराब है भाई, क्या करेंगे अभी। अभी मैं हैरान नहीं होऊंगा अगर मेरे सर के ऊपर बिजली गिर जाए भाई। अरे दिमाग खराब हो चुका है अभी मेरा, बिल्कुल खराब हो चुका है दिमाग, क्रीपर ही क्रीपर है, जिंदगी खत्म है भाई। अरे भाई मेरे को अपना बेड तो चाहिए ना सोने के लिए, मेरे पास थोड़ा सा भी उल नहीं पड़ा है कि मैं एक बेड बना लूं। ओह हर एक साइड बिजली गिर रहा है भाई, कान फट जाएगा मेरा। अरे 21 उल पर है भाई, 21 उल नहीं 21 स्ट्रिंग पर है, आई थिंक बन जाएगा भाई, फिर हम लोग इधर आराम से सो सकते हैं, लेट्स गो। सुबह हो गया फाइनली। अभी ये भी खराब हो गया क्या, या फिर नीचे कोई मॉब है शायद, पता नहीं। अबे कोई तो नीचे खराब हो गया लगता है, यही बाकी था, ठीक है भाई। अबे ट्रेडर तेरी ऐसी की तैसी भाई, एक बार नीचे चला जाओ ना ट्रेडर, तेरी ऐसी की तैसी कर दूंगा मैं। अबे ट्रेडर तेरी ऐसी की तैसी, मर साले, दिमाग खराब करेगा तू। पहले खाने का थोड़ा सा इंतजाम करते हैं, एक छोटा सा फार्म बनाने के चक्कर में इतना ज्यादा मगजमारी हुआ मेरे साथ। मर साले दिमाग खराब किया है बहुत ज्यादा तूने, निकल अभी भाई। ये फार्म परफेक्टली काम कर रहा है यार, इतना मगजमारी करने के बाद फाइनली भाई ये फार्म काम कर रहा है। अबे फिर बाहर स्पॉन हो गया ये, क्या हो रहा है यार ये इस फार्म के साथ, ये देखो बाहर ही स्पॉन हो रहा है ये लोग तो, हद फार्म है भाई, कुछ 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 ठीक नहीं हुआ भाई, ये फार्म ही घटिया है, ये फार्म काम नहीं करता है अभी, ये देखो बाहर स्पॉन हो रहा है धराधर, क्या फायदा फिर भाई। रुको देखते क्या कर सकते हम लोग भाई, कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा ना भाई। ओके तो अपना सारा सामान मैंने रख लिया, अभी एक काम करते, एक ही तरीका है भाई इन लोगों को रोकने का, वो है कि हम लोग पूरी तरीके से चारों तरफ लीव्स फैला दे, तो वही मैं करने वाला हूँ, जितना इधर लीव्स है ना सब उठाते और चारों तरफ फैला देते, फिर शायद से ये कंट्रोल कर सकते हम लोग, देखते ट्राई करके एक बार। मेरे को फटाफट बहुत सारा लीव्स निकालना है तो चलो निकाल लेते, वैसे तो ये फार्म काम कर रहा है ये देखो, लेकिन बीच बीच में बाहर भी स्पॉन हो रहा है तो उसको रोकना है मेरे को, चलो फटाफट थोड़ा सा लीव्स निकाल लेते। एक काम करते, मेरे पास दो रस्सियां था ना तो इनको बांध देते भाई, रुको। चलो अभी एक काम करते, साइड में जाके रिस्पॉन पॉइंट सेट कर देते, पता नहीं कब आयरन गोलेम को हिट कर दूं, फिर मेरा घर हो जाएगा, मेरे को फिर आना पड़ेगा। ये लो रिस्पॉन पॉइंट भी सेट हो गया, अभी फटाफट जितना भी लीव्स है मेरे पास झट से इनको लगा देते और देखते क्या काम करता है कि नहीं करता है भाई। ये लीव्स लगाने में बहुत टाइम जाने वाला है मेरा। ओके तो इतने सारे लीव्स लगाने के बाद फाइनली भाई ये फार्म 100% काम कर रहा है,
भाई बाहर आयरन गोलेम बिल्कुल भी स्पॉन नहीं हो रहा है। लेकिन काफी ज्यादा टाइम लग गया मेरे को ये फार्म बनाने में, क्योंकि इसको बनाने के चक्कर में भाई इतने सारे लीव्स इकट्ठा करना पड़ा मेरे को। भाई हर साइड मेरे को चार चार ब्लॉक एक्सटेंड करना पड़ा, फिर जाके भाई आयरन गोलेम स्पॉन होना बंद हुआ है। भाई ये देखो, एक दो तीन चार, हर एक साइड चार चार लीव्स लगाना पड़ा, फिर जाके भाई आयरन गोलेम स्पॉन होना बंद हुआ है। तो अभी ये फार्म 100% परफेक्टली काम कर रहा है, कोई दिक्कत नहीं है इसके साथ, कोई टेंशन की बात नहीं है। भाई फाइनली आयरन मिल रहा है हमने को। भाई ये देखो आयरन भाई 54 हो चुका है। ये फालतू के सामान क्या कर रहा है इधर। तो चलो भाई आज का वीडियो इधर ही खत्म करते, फटाफट तुम लोगों का थोड़ा सा कमेंट उठा लेते। तो नरेंद्र सिंह भाई का कहना है, भाई डाल दो प्लीज यार क्राफ्ट्समैन किंग क्राफ्ट की वीडियो डाल दो, किंग क्राफ्ट की वीडियो हम लोग जल्द लाएंगे, कोई टेंशन की बात नहीं है भाई। उसके बाद नेक्स्ट कमेंट है अरित्रो रॉय भाई का, भाई यू आर इग्नोर्ड मी, बहुत दिन से इंतजार कर रहा हूँ, साउट आउट दे दो, साउट आउट टू यू। तो बस भाई टाटा गुड भाई।